हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एजाज अहमद भट्ट और आज की वीडियो में मैं आपके लाया हूँ डॉक्टर फॉस्टस, जो लिखी गई है क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लोव जो कि बहुत ही बड़ी शख्सियत थी, ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे और इनका काफ़ी रोल है एलिजाबेथन ट्रेजेडी बिल्ड करने में या एलिजाबेथन एरा के लिटरेचर में। मैं इस वीडियो में इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। क्रिस्टोफर मार्लोव ने जो डॉक्टर फॉस्टस लिखी है, इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर फॉस्टस और इसका पूरा नाम है द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो फॉस्टस होता है, ये एक स्कॉलर होता है जिसको लॉ, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन इन सब की नॉलेज होती है। तो अब उसमें बहुत क्रेविंग होती है कि अब उसको कुछ ऐसा सीखना है जो उसने पहले नहीं सीखा, और अब उसको कुछ ऐसा सीखना है जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि ये सब नॉलेज जो उसने ली है बहुत थियोरेटिकल है, इसमें उसको कुछ स्किलफुल नहीं लगता। और साथ में वो चाहता है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी की कुछ रिनोवेशन करना चाहता है क्योंकि वो बहुत बोर हो चुका है इतना ज़्यादा पढ़ लिख के। अब बहुत सोच विचार करने के बाद डॉक्टर फॉस्टस चाहता है कि अब वो ब्लैक मैजिक सीखे। तो वो अपने सर्वेंट जो जिसका नाम वैगनर होता है, वो उसका सर्वेंट होता है, वो उसके साथ हमेशा रहता है, तो उसे भेजता है, कहता है कि जाओ और तुम दो मैजिशियंस को बुला के आओ। और जब वैगनर जाता है तो वो दो मैजिशियंस को बुला कर लाता है, जिनमें से एक का नाम होता है वेल्स और दूसरा होता है कॉर्नेलियस। तो ये भी स्कॉलर होते हैं ब्लैक मैजिक के। अब जब ये आते हैं तो वो फॉस्टस से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम जैसे एक बड़े स्कॉलर को जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, जिसको एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, प्लैनेट्स और मेडिसिन हर चीज़ की नॉलेज है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इससे ऊपर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी नॉलेज है वो सब की सब मेरे अंदर हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एस्पेक्ट की नॉलेज हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सच है, जब तुम ब्लैक मैजिक सीख पाओगे तो तुम दूसरे एनिमी नेशंस की आर्मीज़ को हरा सकते हो, तुम अपने नेशंस को, अपने नेशन को ऊपर तक मैंने बढ़ावा दे सकते हो, ऊपर पहुंचा सकते हो। तो वो डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि मेरा अभी सोल रीज़न ब्लैक मैजिक सीखने का यही है कि मुझे एज अ पर्सन मुझे हर चीज़ की नॉलेज चाहिए। इन दो मैजिशंस के आने से पहले बैड एंजल एंड गुड एंजल की एंट्री होती है। अब बेसिकली ये बैड एंजल एंड गुड एंजल क्या होते हैं, ये मोरल, हमारी मोरल कॉन्शियसनेस होती है जो हमें गुड या बैड करने से रोकती है या करवाती है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि ये जो मैजिशियंस होते हैं वो डॉक्टर फॉस्टस को कहते हैं कि तुम्हारे पास मैजिक की बुक है और हमारे पास मैजिक की नॉलेज है, तो ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी, यानी हम दोनों का मैजिक और तुम्हारी ये जब बुक मिल जाएगी, तो दुनिया में शायद तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अब उसका जो फ्रेंड कॉर्नेलियस है जो मैजिशियन है, तो वो कहता है कि तुम फटाफट से जाओ कहीं ग्रूव में, तो वहाँ जाके तुम मैजिक जो है परफॉर्म करो। अब वो लोनली नाइट में ग्रूव्स में जाता है जहाँ पर वो मैजिक परफॉर्म करता है, और वो कॉल करता है मेफिस्टोफिलिस को पूरे जो रिचुअल्स के साथ। तो मेफिस्टोफिलिस एक बहुत ही भयंकर शैतान होता है। मेफिस्टोफिलिस शैतान यानी लूसीफर, जिसका पूरा नाम लूसीफर है, उसका चेला होता है। तो मेफिस्टोफिलिस भी एक शैतान होता है और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखता है। तो जब मेफिस्टोफिलिस की एंट्री होती है तो वो बहुत ही हट्टा कट्टा और बहुत ही डरावना शैतान है जिसको एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता। तो जब डॉक्टर फॉस्टस उसे देखता है तो डॉक्टर फॉस्टस डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। तो वो कहता है मेफिस्टोफिलिस को कि तुम जाओ और तुम एक सेंट की शक्ल में आओ। तो मेफिस्टोफिलिस ऐसा ही करता है। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि एक शैतान एक सेंट की शक्ल में आए। डॉक्टर फॉस्टस बहुत कुछ पूछता है मेफिस्टोफिलिस से कि तुम्हारा मालिक कौन है, तो दुनिया किसने बनाई है, और वो फलाना ढिमकाना ये सब नॉलेज लेता है मेफिस्टोफिलिस से। तो मेफिस्टोफिलिस कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की कमांड सुनता हूँ। अब ये सुन के डॉक्टर फॉस्टस में क्रेविंग आ जाती है कि काश मेरा भी एक ऐसा सर्वेंट होता जो झट से यहाँ और फट से वहाँ होता। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। अब मेफिस्टोफिलिस उसे समझाता है तुम्हारा सर्वेंट इतनी आसानी से नहीं बन सकता, अगर तुम्हें मुझे पाना है तुम्हें थोड़े से पापड़ बेलने होंगे। तो उसे करना क्या था, वो कहता है कि तुम लूसीफर को अपना मास्टर मान लो तो शायद लूसीफर मुझे तुम्हारा सर्वेंट बना दे। जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बहुत क्यूरियस हो जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास लूसीफर की नॉलेज आ जाए, लूसीफर की पावर आ जाए और मैं इस दुनिया पे रूल कर सकूं। जो फॉस्टस है वो मेफिस्टोफिलिस को कहता है कि जाओ और लूसीफर से कहो कि हाँ मुझे उसके साथ एक डील करनी है। तो वो डील क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात हमें आप गौर से समझिए कि थोड़ी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। मेरा जो पोएट है या जो मेरा फेवरेट राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप, जो कहते हैं लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग एंड फूल्स वांडर वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो यहाँ ये एक चीज़ अप्लाई होती है कि
लिटिल लर्निंग भी डेंजरस है और बहुत ज़्यादा जो लर्निंग है समटाइम रेडिकल वो हो जाती है, तो ये भी बहुत डेंजरस होती है। तो हम ये कैसे समझेंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स कहता है कि जाओ और लूसीफर को कहो कि मुझे वो नॉलेज दे, मुझे दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज दे, प्लस मुझे दुनिया की हर चीज़ की पावर दे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लूसीफर को अपनी जो है सोल, मेरी जो आत्मा है, मैं उससे 24 ईयर का पैक्ट जो साइन करूँगा, मैं 24 ईयर की एक विल साइन करूँगा कि मेरी सोल 24 ईयर के बाद लूसीफर की हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो है मेफिस्टोफिलिस का यही जो काम होता है, मेफिस्टोफिलिस का काम होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अपनी राह से भटकाना और शैतान की राह पे लाना। तो मेफिस्टोफिलिस झट से लूसीफर के पास जाता है और उससे बात करता है और वो वापस आता है। तो वो डॉक्टर फॉस्टर्स को कुछ टाइम देता है उसकी इस जो है इस बात को सोचने के लिए। तो डॉक्टर फॉस्टर्स इस बात को अच्छे से जब तक सोचता है, तो अब यहाँ एक मोनोलॉग आता है जब गुड एंजल आता है और बैड एंजल आता है। अब अगेन दोनों में जंग हो जाती है। गुड एंजल उसे कहता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स तुम ऐसा मत करो क्योंकि गॉड तुम्हें रिपेंटेंस नहीं देंगे अगर तुम इस गलत राह पे जाते हो। तो बैड एंजल उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे, तुम्हारे पास हर चीज़ की नॉलेज होगी। डॉक्टर फॉस्टर्स दिमाग बना लेता है कि उसे दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज चाहिए। तो अब वो क्या कहता है कि वो कहता है मेफिस्टोफिलिस को कि तुम जाओ और पेपर्स लेके आओ, मुझे वो साइन करने हैं। तो अब पेपर साइन कैसे करने होते हैं कि जो जिस ह्यूमन को, यानी फिलहाल डॉक्टर फॉस्टर्स को जो पैक्ट साइन करना है उसे वो फ्रेश ह्यूमन ब्लड यानी उसके खुद के ब्लड से वो पैक्ट साइन करना होता है। तो अब जब डॉक्टर फॉस्टर्स जो कट करता है अपने आप को ब्लड के लिए ताकि वो फ्रेश ब्लड से वो साइन कर सके, तो अब क्या होता है कि ब्लड फ्रीज हो जाता है। तो ब्लड फ्रीजिंग इज अ सिंबल, बट अभी हम बात करते हैं कि अब ब्लड फ्रीज जब हो जाता है तो गुड एंजल आ जाता है और बैड एंजल आ जाता है, उनकी अपीयरेंस हो जाती है। गुड एंजल कहता है कि देखो खुदा की तरफ से तुम्हें निशानी है कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम ये पैक्ट साइन नहीं कर सकते बिकॉज गॉड वांट यू एज हिज स्कॉलर एज हिज फॉलोअर। लेकिन बैड एंजल कहता है दिस इज नथिंग, यू शुड गो अहेड, यू शुड साइन द पैक्ट क्योंकि तुम्हें दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज मिलने वाली है। अब नॉलेज की जो भूख होती है, जो पावर की भूख होती है, जैसे हमारी सोसाइटी में सत्ता की भूख होती है, वैसे ही पावर की भूख डॉक्टर फॉस्टर्स में इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने कुछ नहीं देखा। तो उसने मेफिस्टोफिलिस से कहा कुछ हॉट एम्बर्स लाने के लिए, कुछ हॉट यू नो कोल लाने के लिए। अब मेफिस्टोफिलिस गर्म कोयला लेके आता है जिससे वो अपनी बाजू को गर्म करता है, खून फिर से चलने लगता है और वो उस पैक्ट को साइन कर देता है। तो दोस्तों आगे ये होता है कि गुड एंजल एंड बैड एंजल फेड हो जाते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट करता है, कभी एक चीज़ का, कभी दूसरी चीज़ का, कभी एक नॉलेज का, कभी दूसरी नॉलेज का। अब कुछ टाइम गुजर जाता है और डॉक्टर फॉस्टर्स को रिपेंटेंस होता है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स एक दिन अकेले में सोचता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्या मैं गॉड की वजह से डेविएट हो गया हूँ या फिर मुझे वापस गॉड से रिपेंटेंस कर लेना चाहिए। तो अब अगेन एंट्री होती है गुड एंजल की एंड बैड एंजल की। अब गुड एंजल कहता है कि अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं गया है, तुम गॉड से रिपेंटेंस करो, गॉड इज़ फॉरगिवर, वो तुम्हें फॉरगिव कर देगा। गॉड बहुत ज़्यादा सीनर्स को भी फॉरगिवनेस दे देता है। लेकिन अब बैड एंजल उसको अपने बातों में बहला लेता है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स कहता है चीसरा सेरा, यानी अब जो होगा वो देखा जाएगा। सो आगे अब ये होता है कि एक दिन जो है डॉक्टर फॉस्टर्स वो पूछता है मेफिस्टोफिलिस को कि ये वर्ल्ड किसने बनाया है। तो जब वो उससे नॉलेज की बातें पूछ रहा होता है तो कहता है कि ये वर्ल्ड किसने बनाया है। तो इस पे मेफिस्टोफिलिस अब कुछ नहीं कहता क्योंकि वो गॉड का नाम नहीं ले सकता और वो नहीं कहना चाहता कि ये वर्ल्ड गॉड ने बनाया है। तो अब इस बात पे डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत शक होने लगता है। तो आगे क्या होता है कि अब डॉक्टर फॉस्टर्स एक दिन दोबारा अब रिपेंटेंस का सोचने लगता है। तो तभी क्या होता है कि लूसीफर आ जाता है। लूसीफर उसको बहुत डराता है, उसको ड्रेड करता है कि अगर तुम रिपेंटेंस का सोचोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। तो अब जब डॉक्टर फॉस्टर्स इस हॉरिबल थॉट को सोचता है कि अब शैतान मेरे साथ क्या करेंगे, तो वो अब अपने माइंड को डेविएट कर लेता है और उसी टाइम क्या होता है कि लूसीफर अपीयर होता है, बेल्जेबब। अब जो ये तीसरा शैतान होता है, मेनली शैतान के दो राजा होते हैं लूसीफर एंड बेल्जेबब, मेफिस्टोफिलिस उनका स्लेव होता है। तो अब लूसीफर अपीयर होता है, लूसीफर का फ्रेंड बेल्जेबब वो भी एक शैतान है, वो भी अपीयर होता है और मेफिस्टोफिलिस भी वहां आता है। अब वो डॉक्टर फॉस्टर्स को वहाँ से ले जाते हैं और वो उसे एक प्ले दिखाते हैं सेवन सिन का। सेवन सिन क्या होता है? सात गुनाह होते हैं। तो दोस्तों ये सेवन सिंस क्या है मैं ये आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर्सोनिफाई किए गए होते हैं, ह्यूमन शेप्स में होते हैं, वो अलग अलग जो हैं एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से डॉक्टर फॉस्टर किसी में पे खुश तो नहीं होता, बट वो डिफरेंट, कुछ ह्यूमरस होते हैं, कुछ बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, कुछ इंटेंस होते हैं। तो ये सब एक्ट देखने के बाद अब जो है डॉक्टर फॉस्टर्स अब वर्ल्ड टूर पर जाता है। तो वर्ल्ड टूर पर वो बहुत अलग अलग जगहों पर घूमता है, अलग अलग जो हैं किंग्स के कोर्ट में घूमता है। तो अब वो जाता है रोम में। रोम का जो थोड़ा सा एक्ट है वो स्पेशल है क्योंकि वहाँ वो तंग करता है कोर्ट के एक पोप को। तो पोप जो है क्रिश्चियन जो है रिलीजन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वहाँ वो जाके एक पोप को तंग करता है चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में। तो चार्ल्स फिफ्थ ये आप याद रखें क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंट फिगर हैं, जो एक्चुअल किंग थे। तो अब
इसके बाद एक एक्ट आता है जहां वो एक हॉर्स ट्रेड करता है। अब वो डॉक्टर फॉस्टस एक आदमी को हॉर्स देता है अपना, तो उसे वो कहता है कि तुम इस हॉर्स को हमेशा के लिए पानी से दूर रखना। तो अब क्या होता है, जो हॉर्स ट्रेडर होता है एक दिन, मतलब वो जब डॉक्टर फॉस्टस से हॉर्स लेता है, अब वो एक दिन उसे पानी पे दौड़ाने लगता है। तो अब क्या होता है कि वो जो घोड़ा है वो एकदम से गायब हो जाता है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद कहानी, अब जब ये सब, जब डॉक्टर फॉस्टस ये सब चीज़ें करता है, तो एक दिन वो एक ड्यूक एंड डचेस के कोर्ट में जाता है। तो उस ड्यूक के कोर्ट में जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो अब डचेस की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जब वो कहता है कि उसके पास मैजिक है और वो कुछ भी कर सकता है। तो अब डचेस कहती है कि मुझे कुछ फ्रूट खाना है, मुझे ग्रेप्स खाने हैं। तो अब जो है डॉक्टर फॉस्टस क्या करता है कि वो अपनी शक्तियों से, मेफिस्टोफिलिस के थ्रू, वो क्या करता है कि ट्रॉपिकल एरिया से वो ग्रेप्स ला के देता है। तो क्योंकि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, वहाँ सर्दियाँ होती हैं, तो वहाँ पे अभी ग्रेप्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ग्रेप्स गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। तो अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस के थ्रू ग्रेप्स मंगाता है और वो डचेस को देता है, जिस बात पे डचेस बहुत खुश हो जाती है और पूरा कोर्ट जो है डॉक्टर फॉस्टस की तारीफ करता है। और वो जब पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, तो वो कहता है कि दुनिया, अब यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है कि दुनिया दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैंने सदर्न हेमिस्फीयर से अंगूर मंगाए हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस का जो एंड है वो अब पास आ रहा होता है। डॉक्टर फॉस्टस को ये रियलाइज होता है कि अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। एक शाम को जब वो अकेला बैठा होता है, तो उसको आसमान में ब्लड दिखाई देता है। तो वो कहता है कि उसे क्राइस्ट का, यानी जीसस क्राइस्ट का ब्लड दिखाई दिया है, जिस पे उसके गुड एंजल एंड बैड एंजल में अगेन एक डिबेट होता है, क्योंकि हम कहानी के एंड में देखेंगे कि वो गॉड से प्रे करता है कि जीसस क्राइस्ट की ब्लड की उसे एक बूंद देते, जिसकी मदद से उसकी वो अपनी एटर्नल डैमनेशन से बच जाएगा। तो दोस्तों जब डॉक्टर फॉस्टस को ये रियलाइज होता है कि अब वो मरने वाला है, उसके 24 साल पूरे होने वाले हैं, तो वो अपनी पूरी जो धन संपत्ति होती है वो अपने सर्वेंट वैगनर के हवाले कर देता है, वो उसके नाम पे कर देता है। एक दिन डॉक्टर फॉस्टस अपने स्कॉलर फ्रेंड्स के बीच में बैठा होता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो अपने एंसेस्टर्स को देखना चाहते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि डॉक्टर फॉस्टस अपने ईविल्स को, यानी अपने जो सेटन्स, उसके जो शैतान दोस्त होते हैं, उन्हें कहता है कि अब कोई भी मरे हुए इंसान को तो वापस नहीं ला सकता, अब अपने ईविल दोस्तों को कहता है कि तुम इनके एंसेस्टर की शेप में आ जाओ। तो वो जो ईविल होते हैं, वो जो मेफिस्टोफिलिस के फ्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन स्कॉलर के एंसेस्टर की शेप में आते हैं। उनमें सबसे फेमस होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके अलावा स्कॉलर्स में से एक कहता है कि हमें दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन को देखना है। तो जब डॉक्टर फॉस्टर मेफिस्टोफिलिस को कहता है, तो एक जो शैतान होता है वो अब हेलन बन के आता है। हेलन, हमें पता है कि हेलन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, उसके पीछे वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी एंशिएंट टाइम्स में, जिसे हम वॉर ऑफ द ट्रॉय कहते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो है डायनेस्टीज तबाह हो गई थी। तो अब हेलन आ जाती है, उसे देख के सब चौंक जाते हैं, उसे देख के डॉक्टर फॉस्टस भी चौंक जाता है और मेफिस्टोफिलिस को कहता है कि तुम हेलन को मेरी पत्नी बना दो। तो दोस्तों इसी दौरान क्या होता है कि उसी सभा में से एक ओल्ड मैन उठता है और वो डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि तुम रिपेंटेंस कर लो, अभी भी बहुत टाइम है, गॉड तुम्हें अभी भी कुछ तुम्हारा बिगड़ा नहीं है, शायद गॉड तुम्हें माफ़ कर दे। तो अब क्या होता है कि डॉक्टर फॉस्टस जब ये सोचता है कि अब वो गॉड से माफ़ी मांग ले, मेफिस्टोफिलिस उसे धमकाता है कि अगर अब तुमने इस बारे में सोचा भी, क्योंकि अब तुम गॉड के तो नहीं रहे, तो तुम्हें सेटन भी बहुत, या लूसीफर भी तुम्हें बहुत ड्रेडफुल पनिशमेंट देगा। अब डॉक्टर फॉस्टस दंग का दंग रह जाता है। तो आगे क्या होता है कि अब घड़ी की जो सुई है वो एक घंटा पहले जब रिंग करती है, तो डॉक्टर फॉस्टस कांपने लगता है, तो वो गॉड के आगे प्रे करता है, वो मर्सी चाहता है गॉड की कि अब वो मरने वाला है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब वो चाहता है कि गॉड उसे जीसस क्राइस्ट के खून की एक बूंद दे दे, जिसके कारण वो डिवेस्टेशन से बच जाएगा, उसकी जो एटर्नल डमनेशन होनी थी, डिवेस्टेशन उसकी जो सोल की होनी थी, तो वो उससे बच जाएगा। वो गॉड से प्रे करता है कि वो उसे बारिश की पानी की एक बूंद की तरह बना दे, जो समुंदर में अगर गिर जाए तो वो ऐसे घुल जाती है कि दोबारा नहीं मिलती। तो वो चाहता है कि गॉड उसे अपने पास ऐसे छुपा ले कि शैतान उसे दोबारा ढूंढ ना पाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने 24 साल जो कारनामे किए हैं, गॉड उसे अब वो पनिशमेंट जरूर देगा। तो अब गॉड उसे जो है वो माफ़ नहीं करता, तो सेटन अब तैयार रहता है उसे ले जाने के लिए। तो अब जब वो अपने आखिरी क्षणों में होता है, तो वो बहुत रिपेंट करता है, वो चाहता है कि दोबारा उसकी तरह कोई और डॉक्टर फॉस्टस ना बने। तो वो अपने स्कॉलर्स को कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे सभी रिकॉर्ड्स को जला देना, तुम मेरी सभी इविल बुक्स को जला देना, ताकि दोबारा कोई इसे पढ़ के अपनी एटर्नल डैमनेशन ना कर पाए। तो दोस्तों अब जब स्टोरी का एंड होने वाला होता है, तो डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है, उसकी सोल को जो है सेटन, यानी लूसीफर जो है उसकी सोल को घसीट रहा होता है,
अब हेल के पोर्टल्स खुल जाते हैं और वो उसे ले जाता है। अब स्टोरी के एंड में जो है कोरिस लैमेंट करता है डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बेवकूफ हो सकता है। तो दोस्तों हमें इस स्टोरी से बहुत एक मोरल वैल्यूज मिलती हैं, क्योंकि स्टोरी एक हीरोइक ट्रेजेडी है। तो अब हमें पता चलता है कि कई बार हीरोज भी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ट्रेजिक हो जाती है। अब यहाँ गुड वर्सेस इविल है, क्योंकि ये सब हमारे अंदर ही होता है। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स को बार बार गुड एंजल एंड इविल एंजल आ रहा था, तो हम भी जब लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं तो हमारा भी कुछ एक पार्ट हमें गुड थॉट्स देता है तो एक कुछ बैड थॉट्स देता है। तो दोस्तों स्टोरी खत्म करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैंने काइट रनर का जो पार्ट 1 अपलोड किया था उस पे बहुत ही ह्यूज रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ उस पे ह्यूज रिस्पॉन्सेज देने के लिए। तो इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहें। आपके व्हाट्सएप में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनके साथ मेरी वीडियो को हमेशा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आपके कॉन्टैक्ट में किसी और के लिए हेल्पफुल।